हेलो एवरी वन वेलकम टू आवर चैनल गाइज यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा लेकिन ये आपको कम्प्लीट पता नहीं चलेगा कि क्या है इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ठीक है गाइज चलिए मूव करते हैं इस नोटिफिकेशन में देखते हैं किस तरीके का पोस्ट है साथ ही साथ कौन एलिजिबल है और क्या है परमानेंट जॉब है कॉन्ट्रैक्चुअल पोजिशन है सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ध्यान से देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंडियन आर्मी का शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन एंड वुमेन के लिए है ध्यान दीजिएगा 60 यानी कि 60वां फॉर मेन और 31वां फॉर फीमेल यहां पर अगर आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्या है इंडियन के लिए अब इसमें देखिएगा आप ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इन्वाइट किया गया है जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन सभी को सताइस तो तो साल होना चाहिए मिनिमम एज रखा गया ट्वेंटी और मैक्सिमम एज रखा गया ट्वेंटी सेवन ईयर ध्यान रखिएगा यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपको दे दिया गया है क्लियर इसके अलावा फॉर विडोज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स पर्सनल रखिएगा वैसे फीमेल जिनके हस्बैंड किसी कारणवश मतलब शहीद हुए हैं इंडियन आर्मी में उनको डिफेंस में तो उनको अलग से यहां पर अगर आप देखेंगे तो एज क्राइटेरिया में छूट दी गई है थर्टी फाइव ईयर्स यानी अपर एज लिमिट रखा गया है थर्टी फाइव क्लियर है अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो इंजीनियरिंग ब्रांच का कोई भी व्यक्ति इंजीनियरिंग ब्रांच का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई कर सकता है या फिर ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में स्टडी कर सक कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते ये हैं क्लियर रहेगा यानी पास आउट प्लस एपियरिंग दोनों यहाँ पे एलिजिबल है चलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोट बताए गए हैं कि कैसे किस तरीके से अप्लाई करना है अब बताती है टेक्निकल में ग्रेजुएट डिसिप्लिन कौन कौन सा होगा तो बी बी टेक रिक्वायर्ड है एनी इंजीनियरिंग ध्यान से देखिएगा एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में मिनिमम यहाँ पे रहना चाहिए अब वैकेंसीज की बात में बात करें तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के लिए ध्यान से देखिएगा सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट रखा गया है फोर्टी ठीक है फोर्टी इसके बाद आपका अगर आएंगे आप कंप्यूटर साइंस के लिए फोर्टी नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में इलेक्ट्रिकल में सेवन रखा गया है उसके अलावा अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्वेंटी आपका मैकेनिकल का टोटल थर्टी टू पोस्ट है थर्टी टू के बाद अगर आप देखेंगे तो मिसलेनियस इंजीनियरिंग में प्लास्टिक हो गया रिमोट सेंसिंग हो गया बैलिस्टिक्स हो गया बायोमेडिकल है फूड टेक है एग्रीकल्चर मेटलर्जी मेटलर्जी एंड एक्सप्लोसिव लेजर बायोटेक रबर केमिकल ट्रांसपोर्टेशन माइनिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल ध्यान रखिएगा इन सभी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये मेंशन किया गया है नौ पोस्ट ठीक है नौ पोस्ट मिसलेनियस में है और अदर ब्रांच वाइज सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एंड मैकेनिकल उन सबका इंडिविजुअल आपका पोस्ट बताया गया टोटल पोस्ट मेन के लिए वन है इंजीनियरिंग ब्रांच में मेल यानी मेल कैंडिडेट के लिए वन और फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा सेम ब्रांच पे एलिजिबल दिखाया गया सिविल है कंप्यूटर साइंस है उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ आ जाता है, आ जाता है है इलेक्ट्रिकल नेक्स्ट है फिर आपका मैकेनिकल आ जाता है मैकेनिकल के बाद फिर आपका आ जाता है यहाँ पर मिसलेनियस वाले में यानी टोटल यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हो वुमेन टेक में तो यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में 14 पोस्ट रखा गया है क्लियर रहेगा ध्यान दीजिएगा एंट्री का अगर हम बात करें तो एंट्री है बीई बीबीटेक का एनी स्ट्रीम्स में एस एस सी में नॉन टेक नॉन यूपीएससी के लिए एक वैकेंसी है जो कि ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम मांगा गया है सिर्फ फीमेल के लिए रिजर्व है क्लियर रहेगा तो ये बात हो गई हमारे वैकेंसीज के बारे में चलिए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए आपको डाउनलोड करना होगा ज्वाइन ऑफिशियल वेबसाइट से डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पे उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी टेंथ का सर्टिफिकेट ट्वेल्थ का सेल्फ सभी के सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए क्लियर रहेगा चलिए रहे नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कमीशन तो पहला है ग्रांट ऑफ कमीशन यहाँ पे है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में रैंक मिलेगा लेफ्टिनेंट का ध्यान रखिएगा रैंक मिलेगा आपको लेफ्टिनेंट में उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन के कंफर्मेशन के बाद एंटी डेट सीनियरिटी आएगा उसके बाद सीनियरिटी में भी किस तरीके से प्रमोशन होगा उसके बारे में आपको बताया गया ट्रेनिंग जो होगी ये उनचास हफ्ते की होगी यानी फोर्टी वीक्स का होगा ट्रेनिंग

डायरेक्ट आप बनेंगे कैप्टन सिक्स ईयर्स के बाद बनेंगे मेजर थर्टीन ईयर्स के बाद बनेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके बाद ट्वेंटी सिक्स ईयर्स के बाद आप बन जाएंगे यहां पे कर्नल, कर्नल के बाद फिर ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एच प्लस स्केल यहां पे उसके बाद आर्मी कैडर में लेफ्टिनेंट जनरल ये सब आपको यहां पे बताया गया नेक्स्ट आता है कि जब आप यहां पर ज्वाइन करेंगे तो सैलरी क्या होगी तो गाइस टेक छप्पन रैंक जैसे -जैसे बढ़ेगी उसके आधार पर आप देखिएगा यहां पर आपको ये पे स्केल के बारे में बताया गया है, उस लेवल पे जैसे जैसे प्रमोशन होगा उसके लेवल पे पे स्केल आपका बढ़ता जाएगा इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी आपको दिया जाएगा हर महीने पंद्रह हजार पांच सौ रुपए का फिक्स्ड फिक्स्ड है 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 कि ये आपको मिलना ही मिलना ही नेक्स्ट आता कैडेट ऑलरेडी छप्पन हजार एक सौ पर मंथ जैसे ही ट्रेनिंग चलते रहेगा उस समय छप्पन हजार एक सौ सैलरी आपकी रहेगी ड्यूरिंग द ऑफिसर ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान क्लियर है अब उसके बाद क्वालिफिकेशन का ग्रांट कैसा है फ्लाइंग एलाउवेंसेस कब मिलेगी तो आर्मी में भी एविएटर्स में अगर आप देखेंगे तो फ्लाइंग में पच्चीस हजार फ्लाइंग अलाउंस मिलेगा

के अलावा फील्ड एरिया के अलावा दस हजार का मॉडिफाइड फील्ड एरिया 63 का हाई एल्टीट्यूड अलाउेंसेस मिलेगा लेफ्ट इन एंट रैंक पे यहाँ पे चौंतीस पर मंथ का कैटेगरी टू में तिरपन और कैटेगरी थ्री में पच्चीस रुपए का पर मंथ का उसके बाद अलग से मेंशन किया गया है सियाचिन अलाउेंस के बारे में तो सियाचिन अलाउेंस में बयालीस का पर मंथ अलाउेंस अलग से है नेक्स्ट है यूनिफॉर्म पर पर ध्यान रखेंगे पहली बार न्यूली मिलेगा मिलेगा आपको आपको ड्रेस ड्रेस के लिए ईयर हर साल रुपया का मिलेगा. उसके बाद राशन के लिए यहाँ पे इन पीस और फील्ड एरिया मान लो कि अगर कहीं पे वॉर वाला सिचुएशन नहीं है उस फील्ड में आपको यहां पर राशन वगैरह का सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो ध्यान रखिएगा बहत्तर सौ प्लस डेली अलाउड ड्रेयरनेस में यहाँ पे रहेगा छत्तीस सौ अदर प्लेसेस पे रहेगा हाई एल्टीट्यूड में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट अलाउवेंसेस के बारे में आपको बताया गया चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस बाईस सौ पचास रुपया पर मंथ मिलेगा फिजिकली डिसेबल सर्विस पर्सनल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बाईस का अलग से मिल रहा है नर्सरी से क्लास ट्वेल्थ तक के लिए अगर आप देखेंगे तो 2250 पर मंथ मिलते रहेगा आपके बच्चों के लिए यहाँ पे अलग अलग अलाउंसेस मिला हुआ है डिफेंस फोर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो 25% परसेंट का इंक्रीमेंट की बात की गई है 50% परसेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर के हिसाब से आपको रिवाइज पे मिलेगा हॉस्टल सब्सिडी आपको छे रुपए मिलेगा अगर कोई बच्चा आपका हॉस्टल में पढ़ रहा है टू ट्वेल्थ तक इसके अलावा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस जो होता है इसमें आपके फैमिली के इंश्योरेंस के बारे में बात की गई है कि 20 परसेंट डिसेबिलिटी पे क्या मिलेगा अल्कोहलिजम पे अगर मान लो कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो क्या मिलेगा इन सारी चीजों के बारे में बताया गया अब बात आती है कैसे अप्लाई करना है तो ध्यान रखिएगा डब्ल्यू ऑफिशियल वेबसाइट है यहां से जाकर के आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सारे क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कोई भी चेंजेस डिटेल्स में पॉसिबल नहीं है सब कुछ आपको ध्यान से भरना है डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है इंट्री स्कीम है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन किस तरीके से होगा तो जो भी आपका थर्ड ईयर तक का मान लीजिए आपने सेवेंटी लिया है तो सेवेंटी का क्राइटेरिया या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा उसके आधार पर आपके मार्क्स बेसिस के आधार पर आपको शॉर्ट किया जाएगा क्लियर है क्लियर है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड के बाद फिर आपको सेंटर अलाउंस दिया जाएगा सेंटर अलॉट किया जाएगा वहां पे फिर आपका एस होगा ट्रेनिंग दी जाएगी उसके अलावा मेडिकल टेस्ट होगा सभी चीजों के बारे में आपको बताया फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा एस इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ठीक है तो ये है आपका इंडियन नेवी के बारे में आपको पूरा कंप्लीट अपडेट ध्यान रखेंगे 26 जुलाई से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 24 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया गाइस ध्यान रखेंगे 24 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है उससे पहले आपको अप्लाई करना है लास्ट डेट का वेट नहीं करना है तो अगर आपको लगता है कि सभी क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल कर रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा इंजीनियरिंग की वैसी भी सीटें बहुत कम आती है जब आती हैं तो आप लोग यहाँ पे मिस कर देते हो तो आप अगर यहाँ पे डिफेंस जॉब करना चाहते हो तो आप बेशक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ओके ध्यान रखिएगा लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा ठीक है मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट में बने रहिए हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ओके थैंक यू सो मच